जिला सूचना केंद्र में तैनात युवती ने सीताबर्डी के शहीद गोवारी फ्लावर से छलांग लगाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। गुरुवार की शाम 6 बजे हुई इस घटना से कुछ समय के लिए झांसी रानी चौक पर खलबली मच गई। 28 वर्षीय तन्वी मूलतः हिंगनघाट की निवासी है। उसे अनुकंपा के आधार पर पिता की जगह नौकरी मिली थी। हिंगनघाट की होने से उसने नागपुर में तैनाती देने का अनुरोध किया था। उसे सिविल लाइन स्थित कार्यालय में चपरासी के पद पर तैनाती दी गई थी। करीब 1.5 साल से वह यहाँ तैनात है और ओमकार नगर में रहती है। शाम 6 बजे तन्वी एक्टिवा पर सवार होकर शहीद गोवारी फ्लाईओवर पर पहुंची। उसने झांसी रानी चौक के पास स्थित फ्लाईओवर पर दोपहिया गाड़ी खड़ी कर दी। दोपहिया में पर्स रखकर फ्लाईओवर से छलांग लगा दी। तन्वी को देखकर अफरा तफरी मच गई। घटना का पता चलते ही सीताबर्डी के PI अतुल सबनिस साथियों के सहित पहुंच गए। उन्होंने तन्वी को लता मंगेशकर हॉस्पिटल पहुंचाया। सूचना देने पर तन्वी के परिजन भी लता मंगेशकर हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने तन्वी को दूसरे हॉस्पिटल पहुंचाया। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। उसके हाथ पैर चोट में आए हैं। बताया जाता है कि तन्वी मिर्गी की बीमारी से ग्रस्त है, जिससे अवसाद की शिकार है। इसी वजह से यह कदम उठाए जाने का संदेह है। आज संध्याकाळी 6 वाजता सुमारास कंट्रोल रूम मधून आम्हाला कॉल आला। त्या ठिकाणी आमचे अधिकारी ताबडतोब गेले। चौकशीमध्ये एक साधारण 27 ते 28 वर्षाची जी युवती होती, तिनं ब्रिजच्या वरती आपली स्वतःची 2-व्हीलर आणि स्वतःची बॅग ठेवून तिनं ब्रिजवरनं खाली उडी मारली होती। त्याच्यामध्ये ती पायाला मोठ्या प्रमाणात जखम झालेली आहे। त्याचप्रमाणे काही इंटरनल मार लागलेला आहे। तिला तात्काळ लता मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं आणि त्यानंतर आता परत पुढील उपचारासाठी मेयो हॉस्पिटल इथे दाखल करण्यात आली। बेसिक एन्क्वायरीमध्ये आम्हाला ती जिल्हा माहिती जनसंपर्क कार्यालय जे आहे सिव्हिल लाईन्स या ठिकाणी ती ड्रॉप करते अशी जेवढी माहिती मिळालेली आहे, तिच्या नातेवाईकांना कळवलेलं आहे आणि बाकी माहिती पूर्णपणे तिच्यावर ट्रीटमेंट झाल्यानंतरच योग्य ती माहिती मिळू शकेल। कॅमेरा पर्सन मायकल के साथ अभिषेक पानसे, BCN News नागपूर।